बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दिस इज़ मिस सहार हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। इट्स मैथ्स टाइम फॉर क्लास 4। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एक्सरसाइज, दैट इज 3D, विच इज़ ऑल अबाउट मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन। इन द प्रीवियस एक्सरसाइज वी सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, and today we are going to solve multiplication and division. Let's move forward towards the solution board. Now let's solve question number 5 of exercise 3D. The question is, multiply the following fractions and reduce to the lowest term. Here there are two fractions given to you, 1 upon 6 into 9 upon 12. बीच में क्या सिंबल है बेटा? मल्टीप्लीकेशन की सिंबल है। दैट मीन्स इन टू फ्रैक्शंस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, and then we have to reduce it to the lowest term. Okay, now for the multiplication, let's start solution. I wrote down the question again here, and then what am I going to do? I am going to beta do this multiplication. Acha, is multiplication ka first method kya ho sakta hai कि हम सबसे पहले 9 को 1 से multiply करें, then 12 को 6 से multiply करें और उन दोनों को आपस में फिर divide कर दें, alright? अदरवाइज हमारे पास एक बेस्ट सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हमें कैंसिलेशन करनी होती है। जब भी हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे होते हैं तो हम उस पर क्या प्रोसेस अप्लाई करते हैं? कैंसिलेशन का प्रोसेस अप्लाई करते हैं। कैंसिलेशन हमेशा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की होती है, चाहे वो बेटा अपवर्ड डाउनवर्ड हो या वो क्रॉस में मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 6 और 9 को कैंसिल कर रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये मुझे पता है सेम टेबल्स में आते हैं। अदरवाइज आप 9 और 12 को भी कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 9 सेम टेबल में आते हैं। सी, दिस इज गोइंग टू बी 3, 2s आर 6 एंड 3 3s आर 9। ऑलराइट, अब ये 1 और 2 या 3 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते हैं, किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। Okay, so now what am I going to do? I'm going to cancel these two denominators and numerators. This is going to be 3 ones are 3 and 3 fours are 12. Right? Further solve नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि numerators में दोनों जगह 1 आ गए हैं और denominators आपस में solve नहीं हो सकते बेटा, ठीक? तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर्स नाउ। 1 वन्स आर 1 अपॉन, अब रिमाइंडर्स डिनोमिनेटर में क्या थे? फर्स्ट रिमाइंडर क्या था? 2, और सेकंड रिमाइंडर था 4। सो दिस इज गोइंग टू बी 2 फोर्स आर 8। अब क्या ये फर्दर लोएस्ट टर्म में सॉल्व हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी फर्दर सॉल्व, क्योंकि ये दोनों किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। वंस अगेन आई एम सिंपली गोइंग टू कॉपी डाउन द क्वेश्चन अगेन टू इट। अब आप ये देखो बेटा कि यहाँ कोई भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिलेशन पे नहीं जा सकता। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 फोर्स आर 8, एंड डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 सेवन्स आर 35। राइट, दिस 8 अपॉन 35 cannot be further solved to the lowest term, that's why this is the answer. Now let's solve question number 6. Solve the following multiplication sums. अब simply हमारे पास दो mixed fractions given है बेटा, okay? 4 whole 1 over 5 into 3 whole 3 upon 4. इन दो mixed fractions को हमें solve करना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? क्योंकि डेफिनेटली हमें पता है यहाँ मल्टीप्लीकेशन का सिंबल मौजूद है, ओके? अब इस मल्टीप्लीकेशन में और लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है बेटा, जस्ट एक स्टेप उसमें ऐड होगा। और वो स्टेप क्या होगा जो हमने एडिशन में भी किया था, कि हम इस मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. सो लेट्स वंस अगेन राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. फोर लेट्स कन्वर्ट इट इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. फोर फाइव आर 20, 20 plus 1, 21 upon 5 into 4 threes are 12, 12 plus 3, 15, 15 upon 4. फर्दर सॉल्यूशन बिल्कुल इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन की तरह है बेटा. लेट मी डू इट फॉर यू. 63 upon 4. ऑल राइट, नाउ इट कैन बी फर्दर सॉल्व टू द मिक्स्ड फ्रैक्शन. क्लियर, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं. According to this division, answer is going to be 15 whole 3 upon 4, and this is the answer. Now let's solve question number 7 of the same exercise. Divide the following numbers. Here we have a fraction given 6 divided by 1 upon 9. क्योंकि यहाँ डिवाइड का सिंपल है, अगर क्वेश्चन में ना लिखा होता तो भी हम समझ जाते कि दोनों को आपस में क्या करना है, डिवाइड करना है. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. फर्स्ट कॉपी डाउन द क्वेश्चन. 6 divided by 1 upon 9. ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स ये फ्रैक्शन तो हमारे पास मौजूद है. अब ये जो 6 है बेसिकली ये भी फ्रैक्शन है, क्योंकि हर डिजिट की ये प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उसके नीचे हम जो 1 होता है फ्रैक्शन में वो मेंशन नहीं करते हैं. दैट मींस ये 6 बेसिकली क्या हो गया, ये 6 हो गया 6 upon 1. क्लियर, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिवाइड इट. अब डिवीजन के लिए आपको एक चीज़ याद रखिएगा कि हम डिवाइड को इट्सेल्फ कभी भी फ्रैक्शन में सॉल्व नहीं करते हैं, बल्कि हम डिवीजन को हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर, देन वी हैव टू राइट. अब जो मल्टीप्लीकेशन के बाद वाली फ्रैक्शन होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं. रेसिप्रोकल आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि फ्रैक्शन को इनवर्स कर देते हैं. दिस बिकम्स 9 upon 1. गॉट इट, रिपीट करती हूँ दोबारा. मैंने क्या किया, मैंने डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लीकेशन में, और उसके बाद वाला जो फ्रैक्शन था 1 upon 9 उसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया. गॉट इट, देन वी हैव टू सिंपली गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कैंसिलेशन पे जाएंगे. दोनों ही अगर नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर. दिस इज गोइंग टू बी 6 9s are 54 अपॉन 1 1s are 1. नीचे का 1 हम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं. ये मैंने 1 आपको इसलिए लिख के दिखाया क्योंकि जो चीज़ मैंने 6 के साथ की थी बेटा, मैंने 6 के नीचे अपॉन 1 आपको लिख कर दिखाया था, यही चीज़ मैंने 54 के साथ भी की, और नीचे का 1 हम कभी भी मेंशन नहीं करते हैं. इसलिए आंसर क्या आया, जस्ट 54. गॉट इट, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. डिवाइड, we are going to solve part A. The question is 1 upon 9 divided by 3. Last question में और इस question में क्या difference है बेटा, क्योंकि उसमें fraction बाद में थी, इसमें fraction पहले given है. Let's start solution. Once again copy down the question again. First of all divided by 3. अब इस 3 की property क्या है, last question में मैंने बताया था कि इसके नीचे 1 मौजूद है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 3 upon 1. ऑलराइट, अब डिवीजन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसका इस स्टेप एज इट इज होगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. सो वंस अगेन लेट्स मल्टीप्लाई दीज. 1 1s are 1 and 9 3s are 27. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन. दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ बताता है कि
प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन रिमेन सेम इवन इफ दे चेंज देयर पोजीशन. दो फ्रैक्शंस की प्रोडक्ट या आंसर सेम रहता है अगर वो अपनी पोजीशन चेंज भी कर लें तो. इस लॉ को बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9 से समझते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टेट द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन फॉर द गिवन फ्रैक्शंस. इस क्वेश्चन को का पार्ट ए हम सॉल्व करेंगे बेटा. इस क्वेश्चन को हम दो एंड से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. राइट, द क्वेश्चन इज 3/4 मल्टीप्लाई बाई 8/18. लेट्स सॉल्व दिस. ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन की तरह सॉल्व होगा लाइक दिस. इसका आंसर आएगा 1/3. राइट, अब जब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की पोजिशन चेंज कर देंगे. मीन्स 8/18 पहले आ जाएगा और 3/4 बाद में आ जाएगा. बट वेन यू विल सॉल्व दिस यू स्टिल गेट द सेम आंसर. राइट, सो दिस इज प्रूव दैट वेन प्रोडक्ट रिमेन्स सेम इफ दे चेंज द पोजिशन. राइट, दैट मीन्स दिस लॉ इज प्रूव्ड. इन दिस वे यू कैन सॉल्व पार्ट बी एज वेल बेटा. Now you can easily solve the home assignment, that is exercise 3D. Question number 5, 6, 7, 8 and 9 you have to do in copy. All these questions I have explained in the video very well. Good luck. Thank you so much. Allah Hafiz.